हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और आपको स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ और एक न्यू रेसिपी फ्रेंड्स, दही तड़का रेसिपी। ये बनाना जितना इजी है खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए और बच्चे से बूढ़ा सबको पसंद आएगी। इतना यूनिक और सिंपल सा रेसिपी लेकिन बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को फुल वॉच करिए फ्रेंड्स, स्किप बिल्कुल भी ना करना। बहुत ही इजी रेसिपी फ्रेंड्स, और चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो को। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो पहले एक पैन लेंगे, तो देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया गैस पे। पैन जैसे गरम हो जाएगी इसमें सरसों का ऑयल डालेंगे एक चम्मच। ऑयल जैसे गरम हो जाएगी राई डालेंगे आधा चम्मच करीब। और ये देखिए रेड चिल्ली सूखा वाला दो मैंने डाल दिया। और उसके बाद इसमें ना डालेंगे एकदम बारीक कटा हुआ अदरक हाफ चम्मच, और बारीक कटा हुआ ये देखिए लहसुन बस। और उसके बाद डालेंगे प्याज। तो ये देखिए मैंने एक ना मीडियम साइज प्याज को उसका एक नहीं डाला, आधा डाला है। आप ना एक भी डाल सकते हो लेकिन इस तरीके से छोटा छोटा चॉप करके लिया है। और इसमें ना थोड़ा सा हींग डालेंगे और हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, तो इसलिए हींग डाला है। तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे करी पत्ता। तो ये देखिए मैंने करी पत्ता डाल दिया, आप ना चॉप करके भी डाल सकते हो। तो मैंने ऐसे डाल दिया। और तीन मैंने ग्रीन चिली को चॉप करके लिया है। तो बस, और मीडियम फ्लेम में ना उसको फ्राई करेंगे, फ्राई कर भुनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हल्का जैसे कलर चेंज हो जाएगी ना इसमें डालेंगे। और कुछ देखिए मैंने डाला है टमाटो, एक टमाटो को ना चप करके लिया। अपना टमाटो को स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अपना डाल के देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसमें जाएगी आधा चम्मच मैंने डाला है काली मिर्ची, हल्दी पाउडर, और ये देखिए धनिया पाउडर डाल दिया एक चम्मच, और तीखा वाला रेड चिल्ली पाउडर। और उसके बाद जाइए थोड़ा सा होममेड वाला गरम मसाला बस। और अच्छा सा ना मिक्स करेंगे। अभी गैस का फ्लेम ना लो कर देंगे क्योंकि जो सूखा मसाला पाउडर डाला है ना और जल सकता है, जल तो जाएगी, इसलिए लो कर देंगे। और आपने इसमें पानी थोड़ा सा एक चम्मच की दो चम्मच डाल भी सकते हो लेकिन मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी बस। और गैस का फ्लेम लो करके इस तरीके से फ्राई करेंगे। उसको ना रखेंगे ठंडा होने के लिए, गैस ऑफ करके साइड में रख देंगे। तो ये देखिए मैंने दही को ना एक स्टेनर में छान के लिया है। ये देखिए जो दही का एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, देखिए कितना रिलीज हुआ है। मैंने एक कपड़ा लिया और एक स्टेनर लिया, उसके बाद ना दही को इस तरीके छान के लिया क्योंकि ये घर का दही है तो इसलिए पतला होता है, तो इसलिए मैंने छान के लिया है। और एक बाउल लिया, बाउल में मैंने दही को डाल दिया और अच्छा से इस तरीके से मिक्स करेंगे व फेंटेंगे। और जब भी दही तड़का आप बनाओगे ना, गाढ़ा दही लेके बनाइए और पतला दही से अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरीके से ये थोड़ा घर का दही है तो ऐसे ही होगा। तो देखिए बस गाय का दही है, भैंस का नहीं है, जो गाय का दूध होता है ना उसी से मैंने जमाया था, तो हल्का इस तरीके से पतला है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी ये ना हल्का ठंडा हो चुका है तो इसमें डाल देंगे दही। और गरम कढ़ाई में बिल्कुल भी दही नहीं डालेंगे, तो हल्का ठंडा करके ना जैसे ठंडा हो जाएगा कढ़ाई तब हम दही को मिला देंगे। और अभी ना मैंने गैस को ऑफ रखा है फ्रेंड्स। तो उसके बाद ये देखिए मैंने अच्छा से मिक्स कर दिया और अभी ना गैस ऑन कर देंगे। ऑन करके ना तो ये देखिए एक से दो मिनट के लिए इस तरीके से हल्का धीमे आंच में चलाएंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और देखिए धनिया पत्ता डाल दिया। लुक बहुत ही अच्छा आएगी धनिया पत्ता से। तो ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होने लग गया। तो देखिए जो हल्दी मिर्ची पाउडर डाला है ना उसी से बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो इस तरीके से आप भी बना के खाइए, सच में बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने और थोड़ा इसमें धनिया पत्ता डाल दिया और उसका ना हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद
बाद ना आपका दही पतला होगा ना, तो आप क्या करोगे फ्रिज में कुछ समय के लिए रख दीजिए और एकदम गाढ़ा हो जाएगी। तो ये ले जाइए फ्रेंड, हमारा दही तड़का बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अपना रोटी का साथ, चावल का साथ, किसी का साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो बहुत ही हेल्दी तरीका से। ये देखिए बनके तैयार हो चुका है। एक बात आप ना याद रखना फ्रेंड्स, जब भी आप दही तड़का बनाओगे तब अपना गाढ़ा दही का ही यूज करिए, पतला दही का यूज नहीं करना फ्रेंड्स। और हल्का पतला होगा तो चलेगा, क्योंकि आप ना फ्रिज में उसको रख के खा सकते हो। फ्रिज में रखने से ये गाढ़ा हो जाएगी और 3 से 4 दिन तक आप फ्रिज में इस तरीके से एक बार बना के फ्रिज में रख के खा सकते हो। तो मुझे तो चावल का साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आपको रोटी का साथ अच्छा लगता है कि चावल का साथ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो है ना कितना इजी, देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय